फाइनली आज है 26 अप्रैल। अब आगे आपको तरुण बताएगा आज क्या है। वेलकम बैक गाइस टू आवर ब्लॉग। आज है 26 अप्रैल। तो आज के दिन मैंने दीक्षा को प्रपोज किया था पिछले साल, जो कि 2 से 3 महीने पेंडिंग पे रहा था। फिर कहीं जाके हाँ में बदली बात, तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे 1 साल हमारा। तो देखते रहिए क्या होता है आगे, आज का दिन होगा कुछ खास। सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोगों ने कर लिया है ब्रेकफास्ट, क्योंकि तरुण की तो मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है तो उसको तो जल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए था। हाँ, ये देखो ऑफिस का काम अभी भी चल रहा है और मम्मी बना रही हैं आज का लंच। आज मैं नहीं बना रही हूँ लंच, क्योंकि मेरा बनेगा फेवरेट खाना। क्या बन रहा है? दाल चावल। नहीं, दाल चावल नहीं, दाल चावल नहीं, दाल चावल, भरमा बैंगन बन रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या बन रहा है खाने के लिए। ये देखिए टाइसन ये पड़ा हुआ, टाइसन देखिए हाय कर रहा है सबको। चलो ये लो ये मज़े कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ मम्मी, खाने में क्या बन रहा है? खाने में यार आपकी पसंदीदा भरमा बैंगन रायता। क्यों, मेरी पसंद का नहीं बनेगा? सिर्फ इसी के पसंद का बनेगा। तेरी पसंद मेरे को पसंद ही नहीं है ना जी। बस तुम्हारी पसंद। फाइनली बन रहे हैं भरमा बैंगन, हो गया फाइनल खाना फेवरेट। बताओ इस बंदे को क्या पसंद है खाने में, वो भी बैंगन। ये रे बैंगन, तुम क्या कर रहे हो? अभी बना नहीं है, बन रहा है भरमा बैंगन। और क्या बन रहा है? और रायता भी है। हाँ रायता बन रहा है। किसका रायता बन रहा है? गवार की फली का। अनएजुकेटेड बीन्स, लो अंग्रेज। हाँ और चिंकी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया? तो नहा धो के मैं हो गया हूँ रेडी और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। अभी यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है। ये देखिए आप, मम्मी यहाँ पे पराठे तल रही हैं, बना रही हैं, और यहाँ पे चिंकी टाइसन का खाना बना रही है, और ये बैठा भूखा प्राणी। ये भरमा बैंगन है, गवार की फली का रायता है, नमकीन चावल है, सलाद के लिए खीरा है, और ये परोठे हैं। हमारी थाली तैयार है। और ये रहा खाने वाला प्राणी, एनिवर्सरी का तोहफा मम्मी की तरफ से इसको ये मिला है। नहीं, मैं पिक्चर के वो दे दूंगी, एक पिक्चर का खर्चा मेरी तरफ। ओ मूवी टिकट्स मम्मी दे रही है हमें एनिवर्सरी गिफ्ट में। और ये बेचारा बैठा टाइसन, इसको लग रही है बहुत तेज भूख। टाइसन, और ये हो रही है डिलीवरी, फर्स्ट गिफ्ट ऑफ द डे। टाइसन भी गया देखने कि क्या आने वाला है। ओ ये आया है केक, साथ केक में मजा है। हमारे चैनल का इस पे फोटो लगा हुआ है। और ये देखिए, देखो मम्मी लो केक। केक की ओपनिंग रात रात में ही करेंगे। और केक रात को कटेगा, स्टे ट्यून्ड विद अस। लंच हो गया कंप्लीट, हम लोग जा रहे हैं बाहर। मुझे नहीं पता ये मुझे बाहर क्यों लेके जा रहा है, पर क्यों जा रहे हैं हम बाहर? ऐसे ही टाइम पास करने, धूप हो रही है बाहर और हम टाइम पास करने जा रहे हैं धूप में बाहर। मैं निरीक्षण कर रही है कि कौन सा केक आया और कौन सा केक नहीं आया, और हमारा फ्रिज ओवरलोडेड भरा हुआ है फिर से। देखना मम्मी ने दिल्ली में भी फ्रिज भर रखा था, दिखाना शक्ल मम्मी, और मम्मी ने यहाँ पर आके भी फ्रिज हमारा भरपूर भर रखा है। जो मन करे उस टाइम आके खा लो, है ना मम्मी? फ्रिज तो भरा हुआ ही अच्छा लगता है। हम चल पड़े हैं बाहर, पर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ये मुझे बता ही नहीं रहा हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही घूमने। पता नहीं घूमने जा रहे हैं ऐसे ही धूप में। चलो चलते हैं, चलो हमारे साथ घूमने बाहर। धूप में जा रहे हैं हम,
में, जहाँ हम थोड़ी देर घूमेंगे और देखेंगे कुछ मिलता है तो। ब्रुकफील्ड मॉल से हमने नहीं लिया कुछ भी, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हम निकल पड़े थे फीनिक्स के लिए और रास्ते में हमें मिला फेमस सुपरस्टार नागार्जुन का रेस्टोरेंट, और फाइनली हम टाइम रहते पहुंच गए हैं फीनिक्स, और यहाँ पे मिलेंगे बहुत सारे ऑप्शन और कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा मेरे लिए। यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं फीनिक्स की पार्किंग के अंदर। भाई पार्किंग इतनी बड़ी थी कि हम राउंड करते हुए नीचे जाए ही जा रहे थे। सोने मॉल में अभी कुछ नहीं मिला था तो तरुण मुझे उठा के ले आ रहा है फीनिक्स। अब देखते हैं फीनिक्स में मुझे क्या मिलने वाला है। आज तो मैं काटूंगी अच्छे से। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ कि मैं क्या लेने वाली हूँ और क्या नहीं लेने वाली हूँ। मैं आ गई हूँ एलन सोनी के स्टोर पे और देख रही थी अपने लिए पर्स, बट फिर पर्स का ऑप्शन छोड़ के तरुण बोला कि बैग्स ट्राई करते हैं, क्योंकि कहीं जाना आना हुआ ट्रैवल पे तो बैग्स काम आएंगे। तो फाइनली मैं यहाँ देखने लगी हूँ बैग्स। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे यहाँ पे और लिमिटेड स्टॉक था, बट हाँ जो भी था काफ़ी अच्छा था, सही लग रहा है। मैंने एक दो बैग शॉर्टलिस्ट भी करे थे तो बस उसी का ट्रायल कर रही थी यहाँ पे कि कौन सा बैग मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। और मालकिन थक हार गई है, आज कुछ मिला नहीं है इन्हें। यहाँ पर तरुण करने गया ऑर्डर अपने लिए छोले भटूरे, मैंने अपने लिए लिया था वड़ा पाव। और यहाँ के छोले भटूरों का साइज़ देखो गाइस, कितना बड़ा साइज़ है, एक ही भटूरा मिला था बस तरुण को खाने। हाँ तो हम लोग मॉल में काफ़ी घूम लिए हैं, ऑलमोस्ट 4 फ्लोर, बट कुछ भी पसंद नहीं आया। मुझे बोला है ना कि तो कुछ झोल है ना तू ले ले, और मैंने गोल्ड में रिंग भी देख ली, डायमंड रिंग भी देख ली, मुझे पसंद ही नहीं आ रही मेरे को ना, कुछ भी पसंद नहीं आया इनको। तो अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए, थोड़ा हमने खा पी भी लिया है और अब हम जाएंगे थोड़ा गेम्स वगैरह के, और लेट्स एंजॉय लिटिल बिट।